दोस्तों, शवशांक द्विवेदी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं, आपको दिखाने घुमाने वाले हैं। कौन से स्टेशन? बनारस स्टेशन जी। हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी मैं थोड़ा काम से आया था महबूबगंज पे, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास अभी, तो इसलिए सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ। फिर अचानक मुझे याद आया कि क्यों ना आप सबको बनारस स्टेशन घुमाओ। वहाँ आए हैं, बनारस स्टेशन पे आके ऐसा लगता है जैसे कहीं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना। जी हाँ, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैं पहली बार देखा था, और ऐसा लगा कि नहीं, हाँ सच में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सब। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। हम बनारस स्टेशन आ चुके हैं। वो देखिए, यहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा है, और ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर, लेकिन अंदर जाने का मेन रास्ता ये है, और एक पीछे से रास्ता है जो अभी न्यू बना है, हाल ही में कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने बनवाया है, काफ़ी सुंदर बनवाया है। और ये चीज़ तो है कि बीजेपी में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, और साफ़ सफाई भी बेहतर हो चुके हैं। ये देखिए, आइए आप सबको अंदर ले चलते हैं, देखते हैं अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी ट्रेन खड़ी है। ये है देखिए, ये यहाँ का टिकट काउंटर। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन का भी कुछ दिखा रहा है, और सामने भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, बनारस टू उधना। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी फिलहाल सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है, खाने पीने का। अब तो मेरा फास्ट है इसलिए मैं नहीं खा सकता, मैं तो भूख बहुत ज़ोर से लगी है, विभूति एक्सप्रेस। ये देखिए, यहाँ पे रेलवे का मतलब पुलिस का है, तो सब देख सकते हैं, स्वच्छ काफ़ी सुंदर बन गया है, काफ़ी हद तक बन गया है। अब हम आपको हल्का सा व्यू दिखाएंगे, फिर सीधे ले चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास, और वहाँ के बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे। जस्ट अमेजिंग, असली खजाना उधर ही है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। शौचालय है, शौचालय है, काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे भी, पहले इतनी सारी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। ये शायद यहीं से लग के चलती है विभूति एक्सप्रेस। कि जो मैं आपको दिखा रहा था वो उधर ही से आने का जगह है। ट्रेन में सबसे अगर कोई बेकार जगह है तो वो जनरल। एक तो दिमाग ये ख़राब होता है कि जब ट्रेन रुकती है तो लोग उतरने नहीं देते, उल्टा चढ़ने लगते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जो लोग जनरल डिब्बे में बैठ रहे हैं, कृपया आप उनको पहले उतर लेने दीजिए, ट्रेन रुकती है फिर आप अंदर चढ़िए, ठीक है। ये वाह, कितना प्यारा, ये उधर नया पुल बना हुआ है, और ये सारी
पहले यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर बस 3 तक होता था, अब हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक, और प्लेटफॉर्म नंबर ये 5। यहाँ पे सुमंगल यादव सावधान की फिल्म की शूटिंग हुई थी जो कुछ साल पहले आई थी आयुष्मान खुराना की, तो एक सीन जो ट्रेन वाला सीन था वो यहीं पे शूट हुआ था, तो आप सब देख सकते हैं ये वही जगह है। ये देखें, वाह, असली मज़ा उधर आने वाला है क्योंकि नया उधर ही बना है, हालांकि मेन है इधर लेकिन खूबसूरती है उधर। तो आइए उधर चलते हैं, फिर उतर रहे हैं। इधर भी कोई ट्रेन लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 8, प्लेटफॉर्म नंबर 8, यस। आप सबसे एक निवेदन है, जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। पता ही इतना तपती धूप में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लाइक ही नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे चैनल को भी प्यार दें, जितना आप और यूट्यूबर को प्यार देते हैं उसी हिसाब से मुझे भी प्यार दीजिए। काफी मजा आ रहा है, इधर सारी पेंटिंग है, शौचालय पे एंड यूज पे कीजिए, यूज कीजिए। ये सेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर कोई नहीं। यहाँ पे जो मेकअप का हुआ था, मेकअप आपका इस वहाँ इसी में हुआ था, सुमंगल यादव सावधान का, ये देखो इसी के अंदर। हालांकि शूटिंग में भी काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा देखने में भी और करने में भी। ऊपर है यहाँ पे विश्रामालय है, ऊपर आप जाकर आराम भी रूम लेके रह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, ये अभी बंद है। ये देखिए ये देखिए एयरपोर्ट जैसा माहौल, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी टिकट काउंटर है ना, अमेजिंग चीज। तो यकीन हो गया दोस्तों हमारी बातों पे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पीछे वाला है वो पूरा एयरपोर्ट जैसा बनाया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद, ये हमारे साथ बनारस के ही सब चीज़ है। इस काउंटर पे अभी कोई नहीं है, कोई नहीं। ये देखिए मज़ा तो तब आता है दोस्तों जब यहाँ से पानी गिरता है और लाइट चली होती है, जो फोटो ये होता है ना बड़ा अमेजिंग, बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, तो आई होप आप सब मेरे वीडियो को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। उधर ट्रेन का दिया हुआ है, मैं वो भी ले लेता हूँ एक बार। मैं एक बार फिर से कहना बोल देता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ये देखिए ये सारे ट्रेन का आप सब देख सकते हैं, अगर नहीं देख रहे। ये देखिए
एक बार आपको बाहर का ही वीडियो दिखा देते हैं। ये देखिए, आई लव बनारस। वहाँ पे भी ट्रेन का इंफॉर्मेशन दे। तो यही है मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा कहें बड़ा कहें, कहीं कहें। ये देखिए, ये पूरा बाहर का है और ये पूरा एयरपोर्ट का ही लुक दिया गया है अंदर। ये तो मैं बाहर ही नहीं, लेकिन अंदर के दिखाया हूँ, तो आप सब देख के समझ गए होंगे कि पूरा एयरपोर्ट का व्यू है इसके अंदर पूरा का पूरा। मुझे तो ऐसे ही फील आ रहा था एयरपोर्ट वाला, अब आपको कैसा फील आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता। तो देखिए, एक तालाब भी बनाया गया है। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। तो एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। तो मैं पूरा घूम के नहीं जाऊँगा, बस यही है एक छोटा सा वीडियो। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।